कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे और हम आपके ब्लॉग का आगाज करते हैं अपने सफ़र की जानिब से। और आज हमारा सफ़र जो था वो था मोबाइल मार्टिन की तरफ, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट है, फर्नीचर मार्केट। और हमने कहा आपको जो है यहाँ का हम खुद भी जाते हैं और आपको भी साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि जर्मनी में फर्नीचर मार्केट किस तरह की होती है। और हमारे साथ आप भी जो है फर्नीचर मार्केट का विजिट करें। यहाँ पर जो है हमने आपको दिखाया बाहर से एंट्रेंस होने का रास्ता, और आगे जो है हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पार्किंग देखें, पार्किंग का अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। और फिर उसके साथ ही साथ मार्केट के अंदर भी हम आपको घुमाते हैं। पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा था तो हमने पार्किंग करके और हम आपके एंट्रेंस होने लगे हैं। इन्होंने क्रिसमस की वजह से, इनकी वाइनाख्त आने वाली है उसकी वजह से इन्होंने कितना कुछ सजाया है। हम एंटर हो गए अंदर और जाते के साथ ही इस तरह डेकोरेट करा हुआ है इन्होंने। काफ़ी बर्तन है यहाँ पर, बर्तन नीचे की तरफ हैं, ये सारा इन्होंने अपने क्रिसमस की वजह से इस तरह से सजाया हुआ है। बहुत ही बड़ा ट्री था जिससे ये सजाया हुआ था इन्होंने, और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें थी जो जो यहाँ इनके क्रिसमस की वजह से इन्होंने सजाई हुई है यहाँ पर। और ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये क्रिसमस की चीज़ें इनके जो है ये अपने त्यौहार की वजह से इनका बहुत कुछ आया हुआ है। और काफ़ी जगहों पर ब्लैक फ्राइडे की सेल भी लगी हुई है। ये ट्री बहुत ही लंबा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये ट्री। और इसके साथ साथ ही ये सारे गुलदान और ये कैंडल, ये सारी जो है इसी के साथ सजाने के लिए, सारी इस ट्री को सजाने के लिए रखी हुई थी। और साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत सा मेज था, और ये लकड़ी का बहुत सारा फर्नीचर। और यहाँ पर इन्होंने बहुत खूबसूरत ही लकड़ी का ये फर्नीचर और उस पर सजाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। ये साइड बोर्ड है 249 का है। इसी तरह ये पुराने ज़माने की चीज़ें भी, कुछ एंटिक चीज़ें जो है कहते हैं वो बना के भी रखी हुई हैं। और जो है काफ़ी कुछ नया भी है, और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर है यहाँ पर, सोफे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। ये तो एंटिक चीज़ें बना के रखी हुई हैं इन्होंने, यहाँ पर सारा एंटिक माल है यहाँ पर। और जो है काफ़ी वैरायटी भी मिल जाता है यहाँ पर। मेज़ बहुत खूबसूरत बना के रखे हुए थे इन्होंने, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आता है यहाँ पर जाके मेज़ वगैरह। और उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएंगे। और फर्नीचर लकड़ी का है यहाँ पर, थोड़ा सा जो है डेकोरेशन की चीज़ें भी उन्होंने साथ साथ रखी हुई हैं इसी तरह से। और डेकोरेट आप अपनी मर्जी से जैसे जैसे चाहें वो कर सकते हैं। और बहुत कुछ है इस मार्केट में, और बहुत ही बड़ी मार्केट है कि हम घूमते रहे घूमते रहे, और घूमते घूमते जो है इंसान थक जाता है, लेकिन ये मार्केट ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पर टीवी की ट्रालियाँ वगैरह इस तरह से जो है ना न्यू स्टाइल में ये बना के रखी हुई हैं यहाँ पर। और ये मार्केट इतनी बड़ी थी कि हम इसे एक वीडियो के अंदर कवर ही नहीं कर पाए, इसलिए हमें इसके पार्ट टू तक बनाना पड़ा और इसको कवर करना पड़ा कि हम आपको दिखा सकें कि ये मार्केट किस तरह की है और यहाँ पे किस तरह का फर्नीचर मिलता है। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नए डिज़ाइन के फर्नीचर यहाँ पर पड़े हुए थे, शीशे के मेज़ और अलग अलग तरह की। पैसों के हिसाब से बताऊं ना कि पैसे बहुत महंगे, पैसे भी यहाँ पर जो है ना फर्नीचर की मार्केट के हिसाब से ही उन्होंने अपने जो है वो प्राइस भी यहाँ पर रखे हुए हैं, और उसके हिसाब से ही जो है पैसे और फिर खूबसूरत फर्नीचर और उसी तरह जो है हर चीज़ यहाँ पर खूबसूरती के हिसाब से ही उसके पैसे भी रखे हुए हैं उन्होंने। खूबसूरत सोफ़े और उनमें अलग अलग कलरों के जो है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से चूज़ करके जो है उस सोफ़े को उस तरह का बनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उनके प्राइस यहाँ पर साथ साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर उसके प्राइस। और ये हर कलर का सोफ़ा है। और अब यहाँ पर ये शीशे की तरफ जो है ये आपको बहुत अलग अलग तरह के शीशे यहाँ पर, डिज़ाइनिंग शीशे यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे, और बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के बहुत ही ज़्यादा वैरायटी वाले यहाँ पर शीशे हैं जिनमें लाइटें भी नज़र आ रही हैं और दूसरी चीज़ें भी। इसको इलाके की ये नंबर वन जो है ना मार्केट है ये,
खूबसूरती के लिहाज से भी और जो सामान इधर पड़ा हुआ है कीमत के लिहाज से भी, और क्या कहते हैं यानी कि नए से नए जदीद किस्म के। और इस मार्केट की खूबसूरती देखने के लिए ज़्यादातर लोग ये खूबसूरती देखने के लिए भी आते हैं। विंडो शॉपिंग हमने आज सिर्फ यहाँ पे विंडो शॉपिंग की क्योंकि हमने आप कुछ ख़रीदना नहीं था, हमने आपको दिखाने के लिए और विंडो शॉपिंग करने के लिए हम भी गए एंजॉय करने के लिए, और हमने भी बहुत कुछ देखा। ये आपके लिए फिल्म बनानी थी इसलिए भी गए थे, और हमने जो अपना जो लेदर का ये जो सोफ़े हैं ये हमने इधर से लिए थे इसी मार्केट से, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब ये नई नई बनी थी। और यहाँ पर डेकोरेशन करने की चीज़ें बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई हैं, और फर्नीचर तो बहुत ही खूबसूरत है, हैंग करने की चीज़ें भी बहुत प्यारी प्यारी बनाई हुई हैं, खासकर ये क्रिस्टल की चीज़ें, और इस तरह ये सोफ़ा और ये डेकोरेशन जो है ये छोटी छोटी डेकोरेशन से माहौल चेंज होते हुए आप देख सकते हैं कि छोटी भी चीज़ पड़ी हो लेकिन अच्छी लग रही हो, उससे उस कमरे का जो है ना स्टैंडर्ड और माहौल चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, हम आपको सिर्फ नीचे का एक हिस्सा दिखा रहे हैं, फिर हम आपको ऊपर जाकर दिखाएंगे। और यहाँ पर और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर ही करते हैं क्योंकि हम दोनों ही आप सबको बताते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, कैसे कैसे हैं, और हम मिलकर इसीलिए साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करते लेकिन हैं। लेकिन इसकी जो इस मार्केट की ख़ास बात यह है कि इस मार्केट की जो प्राइस लिस्ट है ना वो नंबर वन है, यानी कि नंबर वन से मुराद ये कि इसके जो है ना रेट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। हम बहुत कम चीज़ें लेते हैं अगर अच्छे लगें तो, लेकिन क्वालिटी की चीज़ है, क्वालिटी नंबर वन है, प्राइस नंबर वन है। और यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी साइड की चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं, इस तरह करके अलमारियाँ भी पड़ी हुई हैं, और हैंग करने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर जो है ना, हर स्टाइल में हर तरह की जो है ना आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है ये फर्नीचर मार्केट, उस दिन हमने इकिया दिखाई थी लेकिन हमने इकिया का ऊपर फर्नीचर मार्केट में हम नहीं गए थे, लेकिन आज हमने मोबाइल मार्टिन में यहाँ पर हमने फर्नीचर की मार्केट आपको दिखाई। यहाँ पे फर्नीचर इस तरह का होता है, तकरीबन इकिया के अंदर भी इसी तरह का ही होता है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से इकिया इकिया का जो है ना वो दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है। कुछ हर मार्केट की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, इस मार्केट की एक अपनी क्वालिटी है, इसका अपना एक स्टाइल है, इसका अपना स्टैंडर्ड है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का अपना अपना एक स्टाइल है। यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत ये शूज़ रखने के स्टैंड पड़े हुए थे, फिर हमने ये भी बाज़ स्टैंड अफ्रीका के हैं, बाज़ स्टैंड जर्मनी के हैं, बाज़ इटली के हैं। और इस मार्केट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना मिले, बर्तन से लेकर आपको मतलब कपड़े तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन ये है कि रज़ाइयाँ हो गई, कुशन हो गए, सोफ़ा के कपड़े हो गए, हर चीज़ आपको यहाँ से जो है वो मिल सकती है, और छोटी चीज़ें भी मिल जाती हैं, बर्तन भी काफ़ी प्यारे प्यारे थे, और फर्नीचर भी बहुत प्यारा था, बर्तन क्या फूल वगैरह जो थे कितने खूबसूरत फूल थे वहाँ पर, फूल भी खूबसूरती के उन्होंने हर चीज़ एक डेकोरेशन के हिसाब से जो है एक माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत खूबसूरत बनाई हुई है ये मार्केट, और आजकल वैसे भी ज़्यादातर सजाई भी है क्योंकि इनकी क्रिसमस है, तो इस वजह से इन दिनों में ये लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं किसी भी किस्म की। और आजकल जो है ना क्या कहते हैं बैंक से अगर आप लें तो सिंजन क्या कहते हैं उसको, सिंजन को पता नहीं, मुझे खुद नहीं याद आ रहा, सिंजन सिंजन तो यहाँ पे कहते हैं लेकिन उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं। और यहाँ पर इसी के साथ ये जो है बहुत ही बड़ी बड़ी अलमारियाँ थी जिसके अंदर आप पूरा एक स्टोर पैक कर दें उसके बावजूद भी अलमारियों के अंदर जगह ख़त्म नहीं होती, इतनी बड़ी होती हैं ये अलमारियाँ जो है। और सबके जो सबसे अच्छी जो अलमारी थी वो देखी, वो जो बाहर से नज़र आ रही है अंदर क्या पड़ा, सबसे खूबसूरत अलमारी नंबर वन वही थी। नहीं वो अभी मैंने नहीं देखी, और इसके अंदर ही यहाँ पर ये साइड टेबल है और ये टीवी के ये जो बहुत अच्छे बनाए हुए ये, और ये कुछ दरवाजे छोटे छोटे रकाल बनाए हुए, फर्नीचर अब शायद बेड
बेड की तरफ जो है ना वो सारा बना लिया है। अब बेड की बेड नज़र आएंगे, ये मेहरून कलर का तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे हुए हुए थे, बच्चों ने आज थोड़ी अलग जगहों पर घूमा और वीडियो बनाने के लिए शदाद ने एक अलग जगह चॉइस करी और बच्चे एक अलग जगह पर थे। यहाँ पर बच्चे इस साइड पर आ भी नहीं नज़र आ रहे। मुख्तलिफ किस्म के बेड हैं यहाँ पर। छोटे बड़े साइज ये सब पलंग वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के झूले वगैरह भी हैं। ये बच्चों के लिए पलंग, इनके बड़े बच्चों के लिए ये है वाला पलंग, छोटे बच्चों के लिए ये वाला, बच्चों के पैंपर चेंज करने के लिए, जगह के लिए। यहाँ के बच्चे पसंद करते हैं यहाँ पर, ये बिक रहे हैं और इनकी कीमतें ज़्यादा हैं। ये 1700 यूरो का बेड है, पलंग 1700 यूरो का है। छोटे बच्चों का पलंग जो है ये वाला 249 यूरो का है और ये 79 यूरो का पैंपर चेंज करने वाला। बच्चों की सेफ्टी के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए बहुत हिफाजती इकदाम करते हैं जर्मन। ये देखें एक और बेड नज़र आया गाड़ी की शक्ल में, 259 का है ये, गाड़ी की शक्ल में, गाड़ी की तरह बेड है, एक काले रंग का एक लाल रंग का है। ये देखें ये देखें अलमारी, इसमें जो है लकड़ी नहीं लगी हुई, शीशा लगा हुआ है दोनों तरफ नज़र आ रहा है। अंदर आपने क्या रखा है बाहर से देख सकते हैं। हर कलर की चीज़ आप यहाँ पर मंगवा सकते हैं, ये कलर लगे हुए हैं सारे।
یہاں پر یہ مختلف قسم کی میز وغیرہ یہ کرسیاں پڑی ہیں مختلف یہ کوئی انڈیا کا رکشہ وغیرہ ہے یہ اس کا دیکھیں بنایا ہے انہوں نے انڈین لکھی ہوئی ہے زبان یہاں پر یہ پلاسٹک کے بڑے بڑے پیکنگ کے لیے ڈبے لگے ہوئے ہیں ہر کلر کے بلیک میں ہرا میں نیلے میں یہ لگا ہوا ہے کچن €1800 کا کچن ہے یہ 1899 یورو کا یہ میزیں میز کے ساتھ کرسیوں کا سیٹ ٹی وی ٹرالی یہ دیکھیں اوریجنل لکڑی ہے یہ اوریجنل لکڑی بہت مہنگی ہے Thank you.